हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके कुछ फॉर्मूला है, पहले हम इसके फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। एस पी इक्वल टू होता है इसका एम पी माइनस डी, एंड डी परसेंट इक्वल टू डी अपॉन एम पी मल्टीप्लाई 100। एस पी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस डी परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एम पी, एंड एम पी इक्वल टू होता है हमारा 100 अपॉन 100 माइनस डी परसेंट मल्टीप्लाई एस पी। एस पी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस, एम पी होता है मार्केट प्राइस, एंड डी होता है हमारा डिस्काउंट। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा इसका, यस, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा फाइंड द रेट ऑफ द डिस्काउंट व्हेन हमारे पास एम पी गिवन है हमारे पास रुपीज़ 170 एंड एस पी गिवन है हमारे पास रुपीज़ 120। सो एस पी और हमारे पास दोनों गिवन है, तो हमें क्या निकालेंगे, पर हम इसका डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट हमारा फॉर्मूला होता है एम पी माइनस एस पी, हमारा कितना गया इसका डिस्काउंट दोनों को माइनस करने पे 50 रुपीज़, एंड डी परसेंट हमें निकालना है इसका, डिस्काउंट परसेंट में परसेंटेज बताना था। तो डी अपॉन एम पी मल्टीप्लाई 100, 50 अपॉन 170 एंड मल्टीप्लाई 100, दोनों को हमने डिवाइड करा, डिवाइड करने पे कितना आ गया 0.25 मल्टीप्लाई 100, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया इसका 29%। सेम एज बी पार्ट, बी पार्ट भी इसका बिल्कुल सेम होगा। एम पी इक्वल टू रुपीज़ 2675 एंड एस पी इक्वल टू है 1530। सो डिस्काउंट हमने निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, हमारा डिस्काउंट आ गया इसका 1145। हम इसका निकालना है परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट अप करी और सबको सॉल्व करने पे आ गया हमारा इसका 43% अप्रोक्स। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा इसका फाइंड द एम पी व्हेन एस पी इक्वल टू रुपीज़ 1800 एंड डिस्काउंट है हमारा इसका 1400। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है इसका एम पी। सो एम पी का फॉर्मूला लगाया 100 अपॉन 100 माइनस डी परसेंट मल्टीप्लाई एस पी। सो डी परसेंट हमारे पास इसमें गिवन है 4%, वैल्यू पुट अप करिए, एस पी भी गिवन है, सबको सोल्व करने पर आप हमारा आ गया 1875 रुपीज़। सो नाउ स्टार्ट द बी पार्ट। एस पी में हमारे पास गिवन है 1620 एंड डिस्काउंट है हमारे पास इसका 10%, और हम इस एम पी का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट अप करी और सबको सॉल्व करने पे हमारा इसका आ गया रुपीज़ 1800। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास फाइंड द एस पी व्हेन एम पी इक्वल है रुपीज़ 560 एंड डिस्काउंट इक्वल है 15%। एम पी रुपीज़ हमारे पास गिवन है, एस पी हमें इसका निकालना है। सो एस पी का फॉर्मूला लगाया, एस पी का फॉर्मूला लगाने पे हम बस वैल्यू पुट अप करी और हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने पे हमारा इसका आ गया रुपीज़ 476। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा इसका, सॉरी, ये है हमारा थर्ड का बी। थर्ड के बी हमारे एम पी इक्वल है रुपीज़ 1050 एंड डिस्काउंट है 12.5%। एस पी का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने पर वैल्यू पुट अप करी, सॉल्व करा, प्लस माइनस डिवाइड वगैरह सब कुछ सॉल्व करने पर हमारा आ गया इसका रुपीज़ 918.75। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, टी वी सेट इज मार्क फ्रॉम रुपीज़ 12,000 विद डिस्काउंट प्राइस इज 11,490। इफ़ द पेमेंट इज मेड कैश फाइंड द रेट ऑफ द कैश डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर। उसने पूछा है कि फाइंड करो इसका रेट जो शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया था। सो हमारे पास एम पी एस पी दोनों है, डिस्काउंट निकाला हमें, जो हमें ऑफर मिला था हमारे पास कितना गया रुपीज़ 500। इसको हम क्या निकालें, इसके परसेंटेज निकाल देंगे, वैल्यू पुट अप करी डिस्काउंट पे फॉर्मूले में और हमारा आंसर आ गया 4.25%। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास, ए वॉच, एक घड़ी रोट करिए हमने 4,500 इज ऑफर फॉर अ सेल एट रुपीज़ 3,960, बट परसेंट एम पी एस पी दोनों गिवन है, डिस्काउंट निकाला हमारे पास 540 आ गया, डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाया वैल्यू पुट अप करी और हमारा आ गया 12% इसका डिस्काउंट हो गया हमारे पास। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा इसका, ए मोबाइल फोन सोल्ड वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 10,500 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 25%। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द फोन। हमें इसका मार्केट प्राइस फाइंड करना है फोन का। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लगाया, एम पी का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुट अप करी हम और सॉल्व करने पे हमारा इसका आ गया 14,000। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा इसका, सुरेश परचेज अ पेयर ऑफ अ जींस मार्क एट रुपीज़ 1400 फ्रॉम अ सेल, द डिस्काउंट ऑफर ऑन दैम इज 15%, हाउ मच विल बी पे फ्रॉम दैम। सो हमें इसका बताना है, इसने कितना पे करा, सीलिंग प्राइस बताना है उसका। सो एम पी इक्वल है हमारे पास 1400, डिस्काउंट हमारे पास 15% है, एस पी का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट अप करी सारी और हमारे पास इसका सीलिंग प्राइस आ गया 1190। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है हमारे इसका, सरिता अलाउ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ हर गुड मार्क एट रुपीज़ 1250, फाइंड द सीलिंग प्राइस ऑफ द गुड आफ्टर डिस्काउंट।
सो हमारे पास मार्केट प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस का हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप करी। वैल्यू पुटअप करने पे हमने बस क्या करना है, इसका 1 - 100 अपॉन 100 था एंड मल्टीप्लाई में 1250 है। सो पहले इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे क्या करा, 100 में से 10 को माइनस करा, 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1250 कैंसिल आउट करने पे हमारे से फॉर्मूला आंसर आ गया 1220, 1125।